दोस्तों नमस्कार, मैं विनायक शर्मा एक बार फिर से हमारे इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम योगासनों के अभ्यास से पहले कुछ बातें आपको बताने जा रहे हैं, ताकि जब आप योगाभ्यास प्राणायाम करें, ध्यान करें, तो आप इन चीज़ों को थोड़ा समझकर योगाभ्यास सही तरीके से करें। आज हम आपको योगासनों का महत्व, उसका क्या प्रभाव पड़ता है, क्या उसके नियम हैं, किन विधियों का पालन करना है, हमको अपनी दिनचर्या कैसी रखनी है, इस बात पर हम थोड़ा सा प्रकाश आपको डालेंगे। दोस्तों, योगासन अंदर के शरीर को स्वस्थ रखने की क्रियाएं हैं। जो शरीर बाहर से दिखाई देता है वह केवल अस्थि पंजर है और उसे रूप देने के लिए ऊपर मांस है। शरीर रचना के प्रकरण में आपको थोड़ी बहुत जानकारी होगी। जब तक हमारा अंदर का शरीर स्वस्थ ना होगा, उसका कार्य ठीक ना होगा, हम स्वस्थ नहीं रह सकते। हम देखते हैं कि हृदय को 24 घंटे काम करना पड़ता है, एक क्षण का भी आराम नहीं। हृदय को आराम तभी मिल सकता है जब रक्त को ले जाने वाले और विकार सहित वापस लाने वाले मार्ग बिल्कुल साफ हों। थोड़ी सी रुकावट भी रोग का कारण बन सकती है। हमारे फेफड़े पूरी तरह काम करें और अधिक से अधिक ऑक्सीजन सहित वायु ग्रहण कर रक्त को शुद्ध कर सके। भोजन को पचाने के लिए अमाशय, यकृत, क्लोम तथा अन्य ग्रंथियां अपने पूरे रस दें, ताकि पाचन क्रिया सुचारू रूप से हो। अतड़ियां भोजन से पूरे तत्व को निकालें। रस, रक्त, मांस, मज्जा, हड्डी, वीर्य आदि शरीर की आवश्यकता अनुसार बने। हमारे नाड़ी संस्थान पुष्ट हो, ताकि शरीर के हर कार्य का संचालन सुचारू रूप से हो। विकार अंदर रुकने नहीं पाए, हमारी पकड़ बढ़ जाए। शरीर के अंदर होने वाले हर कार्य की सूचना हमें तुरंत मिले। शरीर सब कुछ बताता है। हमें भूख लगती है, खाते हैं, प्यास लगती है, पानी पीते हैं, थकते हैं तो आराम करते हैं, नींद आती है। शरीर जब भोजन ग्रहण नहीं करना चाहता तो वमन होता है। शरीर किसी विकार को सहन नहीं करता। योगासनों का विशेष प्रभाव स्नायु मंडल पर पड़ता है। स्नायु मंडल, जिसका कंट्रोल ब्रेन मस्तिष्क के द्वारा होता है, जितना शिथिल व शक्तिशाली होगा उतना मन आपका स्वस्थ होगा। आपकी कार्य क्षमता बढ़ जाएगी और आपका हर कार्य पूरी एकाग्रता से होगा। मानसिक शक्ति के बढ़ जाने से आप अपने कार्य को सुचारू रूप से करने लग जाएंगे। आपके सोचने विचारने का ढंग ही बदल जाएगा। नकारात्मक की जगह सकारात्मक सोचने की प्रवृत्ति पैदा होगी, जिससे आपका हर कार्य कुशलतापूर्वक संपन्न होगा। आप उचित व ठीक निर्णय करने की स्थिति में आ जाएंगे। गृहस्थी का जीवन समस्याओं से भरा है। जीवन की एक चुनौती है और चुनौती का सामना करना हमारा धर्म व कर्तव्य है। हर पल समस्याएं हमारे सामने खड़ी हैं। कभी अर्थ की समस्या, कभी बच्चों की समस्या, कभी राशन की समस्या, कभी काम की समस्या और कभी रोगों की समस्या। इन समस्याओं का हल शांत मन व स्वस्थ शरीर से ही निकल सकता है। जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा, मन शांत होगा, तो हम अपनी समस्याओं का हल स्वयं निकाल लेंगे। हम में निडरता आएगी, भय नहीं सताएगा। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि व्यायाम न करने से शरीर की मांसपेशियां, नसों तथा अन्य भाग में एक प्रकार की मैल, खड़िया मिट्टी से जम जाती है, जिसमें लाइम, फॉस्फेट, मैग्नीशिया आदि पदार्थ होते हैं। मनुष्य शरीर के लिए यह मैल विष तुल्य होता है। आयु के अनुपात से यह मैल बढ़ती जाती है और शरीर के यंत्रों को बिगाड़ देती है। इस मैल के जमने से नसें व रक्त नलिकाएं मोटी होकर सिकुड़ जाती हैं। मस्तिष्क का रक्त संचार धीमा हो जाता है। स्मरण शक्ति क्षीण हो जाती है और भ्रम, चिंता, चिड़चिड़ापन आदि विकार उत्पन्न हो जाते हैं। व्यायाम द्वारा इस मल को साफ रख कर ही हम शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य तथा लंबी आयु प्राप्त कर सकते हैं। शरीर में इन विजातीय द्रवों की मात्रा बढ़ने से निर्जीवता व निर्बलता बढ़ने लगती है। योगासन करने से ये विकार दूर हो जाते हैं, शरीर स्वस्थ होता है। अतड़ियों पर गहरा प्रभाव पड़ता है, जिससे पेट की अपच, गैस, कब्ज, सड़न आदि रोग नष्ट हो जाते हैं। योगासन करने से चेहरे पर कांति, शरीर में बल, मन में उत्साह और बुद्धि में शक्ति का विकास होता है। यौगिक क्रियाओं द्वारा चित्त वृत्तियों का निरोध होकर समाधि की प्राप्ति होती है। यह स्थिति मानव जीवन की अनोखी सिद्धि है। समस्याओं से घिरा मानव
इस स्थिति को प्राप्त कर सुख व अशांति का अनुभव करता है, उसके सभी दुख सदा के लिए दूर हो जाते हैं। योगासनों से शरीर की रोगनाशक शक्ति का विकास होता है, जिससे शरीर किसी भी विजातीय द्रव को अंदर रुकने नहीं देता, तुरंत बाहर निकालने का प्रयत्न करता है, जिससे आप रोग मुक्त होते हैं। योगासन से शरीर में लचक पैदा होती है, जिससे व्यक्ति फुर्तीला रहता है। शरीर के हर अंग में रक्त का संचार ठीक होता है। अधिक आयु में भी व्यक्ति युवा लगता है और काम करने की शक्ति बनी रहती है। जिस प्रकार नाली की गंदगी को झाड़ू लगाकर पानी फेंककर साफ करते हैं, उसी प्रकार अलग अलग आसनों से रक्त की नलिकाओं व कोशिकाओं को साफ किया जाता है, ताकि उनमें रवानगी रहे और शरीर रोग मुक्त हो। यह केवल योगासन क्रियाओं से ही हो सकता है, अन्य व्यायामों से नहीं। फेफड़ों के द्वारा हमारे रक्त की शुद्धि होती है। योगासनों और प्राणायाम द्वारा हम अपने फेफड़े को फैलाने व सिकुड़ने की शक्ति को बढ़ाते हैं, जिससे अधिक से अधिक ऑक्सीजन सहित वायु फेफड़ों में भर सके और रक्त की शुद्धि कर सके। वर्तमान समय में गलत रहन सहन व अप्राकृतिक भोजन के कारण पाचन संस्थान के यंत्रों का कार्य सुचारू रूप से नहीं चल पाता। उन्हें क्रियाशील रखने में योगासन बहुत सहायक सिद्ध होंगे। मेरुदंड पर हमारा यौवन निर्भर करता है। सारा रक्त संचार व नाड़ी संचालन इसी से होकर शरीर में फैलता है। जितनी लचक रीढ़ की हड्डी में रहेगी, उतना ही शरीर स्वस्थ, आयु लंबी, मानसिक संतुलन बना रहेगा। यह केवल और केवल योगासनों से ही संभव है। अन्य बातों में योगासनों का प्रभाव मनुष्य के चरित्र पर बहुत गहरे पड़ता है। योगासन स्वास्थ्य के साथ साथ चरित्रवान भी बनाते हैं। यौगिक क्रियाओं से मानसिक व नैतिक शक्ति का विकास होता है, मन स्थिर रहता है। मन के स्थिर रहने से बुद्धि का विकास होता है, सत्वगुण की प्रधानता होती है और सत्वगुण से मानसिक शक्ति का विकास होता है। ये सब लाभ केवल योगासन और प्राणायाम से ही प्राप्त हो सकते हैं। हमारे शरीर में अनेक ग्रंथियां हैं, जो हमें स्वस्थ व निरोग रखने में महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। इन ग्रंथियों का रस रक्त में मिल जाता है, जिससे मनुष्य स्वस्थ व शक्तिशाली बनता है। शरीर के रोगों को दूर करने में प्राणायाम और षटकर्म रामबाण का काम करते हैं। जब विजातीय द्रव के बढ़ जाने से शरीर के अंग उन्हें बाहर निकाल पाने में समर्थ नहीं होते, तो रोग का आरंभ होता है। इन विजातीय द्रवों को बाहर निकालने के लिए इन क्रियाओं का सहारा लिया जा सकता है। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक विकास के लिए योग पद्धति सर्वोत्तम पद्धति है। इसका मुकाबला और कोई पद्धति नहीं कर सकती। अब मैंने ये योगासनों के महत्व को बहुत संक्षिप्त में बताया है। अगर इसका विस्तृत वर्णन करें तो एक पूरी किताब भरी जा सकती है, लेकिन मैंने संक्षिप्त रूप में इसे आपको बताया है। अब हम अगले भाग में बढ़ते हैं, योगासन के नियम और विधि। जब हम योगाभ्यास करेंगे तो उसे किस विधि से करनी है, कैसे सांसों को रोकना है, कहाँ ध्यान लगाना है, ये तो हम बताएंगे ही, लेकिन उससे पूर्व की कुछ चीज़ें आपको करनी होगी। जैसा मैंने आपको पहले के भी वीडियो में कहा है कि योगा या योग एक घंटे दो घंटे की चीज करने की चीज़ नहीं है। यह आपके सुबह उठने से लेकर रात सोने तक आप हर जो चीज़ करते हैं वह योगा के अंतर्गत आता है। तो हम कुछ प्रिकॉशनों, कुछ सावधानियों को हमको बरतना है, कुछ नियमों का पालन करना है, जिससे आप योगाभ्यास करेंगे तो आपको लाभ 10 गुना, 20 गुना, 40 गुना तक मिल सकता है। तो इन नियमों में से हैं, जिसमें से पहले मैं कहूँगा कि योगाभ्यास का, योगासन का अभ्यास प्रातःकाल शौच आदि से निवृत्त होकर करें। स्नान करके अगर योगा हो जाए तो और भी अच्छा है। स्नान करने से शरीर हल्का हो जाता है, लचक आती है और आसन अच्छे ढंग से होते हैं। आसन करने का स्थान शांत व स्वच्छ होना चाहिए। जिस स्थान पर आसन करें वह समतल होना चाहिए, उबड़ खाबड़ ना हो। दरी या कंबल बिछाकर आसन करिए, ताकि पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति आपके ध्यान को ना तोड़े। योगासन करते समय एक बात का ध्यान रखिएगा, योगासन करते समय बातचीत बिल्कुल ना करें। अपने ध्यान को श्वास और जिस अंग पर बल पड़ रहा है या जिस चक्र पर आपको ध्यान करने बोला जाएगा उस पर लगाएंगे। जितना आप एकाग्र होकर आसन करेंगे उतना ही अधिक शारीरिक व मानसिक लाभ मिलेगा। योगासन एक अहिंसक क्रिया है, इसको करते हुए झटके नहीं लगने चाहिए। यह आराम से पूरे आनंद के साथ आपको करने हैं। शरीर को बहुत तान कर और खींच कर धीरे धीरे करें।
इसके बाद कुछ क्षण अपने शरीर को शिथिल करें। जब आपका श्वास स्वाभाविक स्थिति में आ जाए तभी दूसरे आसन का अभ्यास करें। योगासनों का अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाएं। आसन की पूर्ण स्थिति तक जाने का प्रतिदिन अभ्यास करें। धीरे धीरे आपके बंध खुलेंगे और शरीर में लचक पैदा होगी। इसलिए इस स्थिति में आने में आपको 6 माह या वर्ष भर भी लग सकता है, क्योंकि धीरे धीरे आपके शरीर की जो विजातीय द्रव्य हैं, जो टॉक्सिन है, वो धीरे धीरे निकलेंगे, शरीर शुद्ध अवस्था में आएगा। इसलिए निराश हुए बिना नित्य प्रति आसनों का अभ्यास करते जाएं, सफलता निश्चित होगी। ऋतु के अनुसार आसनों का कम से कम कपड़े पहनकर अभ्यास करें। योगासनों का अभ्यास सभी वर्ग के बच्चे, बूढ़े, स्त्री पुरुष कर सकते हैं। इसके लिए कोई विधि, नियम, कानून की जरूरत नहीं है। योगासन एक वैज्ञानिक विधि है। इसका संबंध शरीर के अंदर अंगों से है, इसलिए इसे किसी जानकार व्यक्ति से सीख कर ही करें। आजकल लोग YouTube पर देखकर या किसी वीडियो को देखकर योगाभ्यास प्रारंभ कर देते हैं। हम भी कुछ दिनों बाद योगाभ्यास के वीडियो डालेंगे, लेकिन हमारा अनुरोध है कि किसी योग्य जानकार व्यक्ति के समक्ष ही योगाभ्यास करें। योगा के लिए हम स्पेशल क्लास वगैरह भी चलाते हैं, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन यूट्यूब पर देखकर या किसी वीडियो को देखकर योगाभ्यास का प्रयास न करें, क्योंकि होता क्या है, आप वीडियो पर देखकर योगाभ्यास तो कर रहे हैं लेकिन आपका शरीर का पोस्चर कहीं बिगड़ रहा है, कहीं कुछ उठपटांग पोस्चर आपकी बन रही है और आपकी आदत उसी पोस्चर में करने की हो गई लंबे समय तक, तो उसके दीर्घकालिक गलत परिणाम आ सकते हैं। फिर अगर आपके शरीर का पोस्चर ठीक नहीं रहेगा, कमर सीधी नहीं रहेगी, तो आपको विशेष लाभ नहीं मिलेगा। तो जो सदगुरु है, जो आपको जानकार व्यक्ति है, वह आपको टोकेगा कि आपको इस तरह से नहीं करनी है। या आप अपने वीडियो बनाकर योगाभ्यास, जो आप वीडियो देखकर, हमारे यूट्यूब के वीडियो को देखकर आप अपनी वीडियो बनाइए और उसे हमें भेजिए। हम उसमें बताएंगे कि आपसे यहाँ क्या गलती हो रही है। योगासन करने वाले व्यक्ति को अपना भोजन कर्म के अनुसार लेना है, उतना ही भोजन जितना शरीर पचा सके। भोजन में मात्रा कैसी लेनी है, यह आपको मैंने पहले के भी वीडियो में बताया है कि कैसे भोजन लेना है, कब लेना है, आप उस वीडियो को एक बार फिर से देख लें। कठिन रोगों तथा ज्वर से पीड़ित व्यक्ति को आसन योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। हल्के प्राणायाम वो कर सकते हैं, ध्यान वो कर सकते हैं। गर्भवती स्त्री गर्भावस्था के 4 महीने तक आसन कर सकती है। 4 महीने के बाद आसनों का त्याग कर देना चाहिए। प्राणायाम कर सकती है, ध्यान कर सकती है। शुरू में एक ही दिन बहुत से आसन न करें। प्रत्येक आसन को मनोयोग से आँख मूंद कर धीरे धीरे करें। फिर धीरे धीरे आसन में रुकने की स्थिति को बढ़ाएं। आसनों का अभ्यास क्रम इस प्रकार रखना चाहिए कि आसन के बाद उसका उपासन काउंटर पोज कर सकें। जब हम आपको योगाभ्यास बताएंगे तो क्रम, जिस क्रम में हमको योगा करनी है, हम उसी क्रम में आपको एक एक योगाभ्यास के बारे में बताते जाएंगे। आपको उसी क्रम में योगाभ्यास करना है। योगासनों का अभ्यास ठीक ठीक हो रहा है या नहीं, उनका लाभ आपको मिल रहा है या नहीं, उसकी कसौटी यह है कि आपका शरीर आसन करने के बाद थकावट रहित हो, हल्का फुल्का हो, आपकी कार्य शक्ति बढ़ जाए और दिन प्रतिदिन आप युवा दिखाई पड़े। नहीं तो मैंने कई लोगों को देखा है कि सुबह 1 घंटे 1.5 घंटे योगा करते हैं तो दिन भर सोए पड़े रहते हैं। योगा करने के बाद आप पूरी तरह से प्राणवान हो जाते हैं, ऊर्जावान हो जाते हैं। यह योगाभ्यास सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी सबसे पहली कसौटी है। योगासनों की समाप्ति के बाद यह बात विशेष ध्यान रखें, योगासन जब प्राणायाम कर लें, आप योगासन कर लें, ध्यान कर लें कुछ मिनटों के लिए, 5-6 मिनटों के लिए बिल्कुल डीप शवासन जरूर करें। शवासन अपने आप में पूर्ण आसन है और इससे शरीर में अद्भुत शक्ति का संचार होता है। कहा जाता है कि शवासन से आपके किए गए आसनों का लाभ दुगना हो जाता है। योगासन करने के तुरंत बाद कोई भी चीज ना खाएं। पहले हल्की फुल्की चीज खाएं, नींबू पानी, कुछ फल ये लें, फिर आप ब्रेकफास्ट कुछ आधे घंटे पौन घंटे के बाद में ले सकते हैं। अब हम दिनचर्या के पार्ट पर आते हैं कि आपको दिनचर्या कैसी रखनी है। जब तक हम अपनी पूरी दिनचर्या को व्यवस्थित नहीं करते, तब तक हम पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो सकते। स्वास्थ्य के लिए सभी आवश्यक बातों की ओर ध्यान देने की आवश्यकताएं हैं। अक्सर कई व्यक्तियों को मैंने कहते सुना है कि मैं योगासन भी करता हूँ, खान पान भी मेरा ठीक है, फिर भी पता नहीं रोग क्यों हो जाता है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रहने से ही रोग आता है। जब हम प्रकृति के विरुद्ध जाते हैं तब वह रोग का कारक होता है।
इसलिए अपने सारे जीवन को सुनियोजित करना आवश्यक है। नित्य क्रम में आपको रात को जल्दी सोना, जल्दी उठना स्वास्थ्य के लिए अमृत है। जल्दी सोने से नींद अच्छी आती है, नींद गहरी होती है, मन शांत होता है और विचार शुद्ध होते हैं। सुबह जल्दी उठने से आलस्य नहीं आता। सुबह के सभी कार्य, नित्य क्रम, सैर, व्यायाम, शरीर की सफाई भली प्रकार किए जा सकते हैं। प्रातःकाल उठकर कुल्ला करें, ठंडा पानी या गर्म कुनकुना पानी पिएं और फिर शौच में जाएं। शौच ना आए तो भी जाएं। प्रतिदिन समय पर शौच जाने से कब्ज ना होगी। घर में बच्चों को भी इसी प्रकार की आदत डालें, उठते ही उन्हें शौच भेजें, जिससे पेट साफ हो जाए। यदि किसी कारण से पेट साफ ना हो तो पेट साफ करने के उपायों को कर लें। पेट साफ रहेगा तो शरीर हल्का और भूख भी लगेगी। दांतों की सफाई सुबह तो करिए ही करिए, रात को जरूर करिए। किसी एक समय आप ब्रश कर लीजिए, दूसरे समय आप दांतों से या हाथों से मालिश करते हुए भी कर सकते हैं। और विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा, सुबह की ब्रशिंग से ज़्यादा जरूरी रात की ब्रशिंग होती है। जब आप रात की ब्रशिंग करते हैं, मसूड़ों की मसाज करते हैं 2 से 3 मिनट की, तो आपको मसूड़ों और दांत से संबंधित बीमारी नहीं हो सकती। प्रतिदिन ताजे पानी से स्नान करना भी स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। त्वचा हर समय शरीर के अंदर से विकार को बाहर निकालती है। उस मैल को स्नान करके ही साफ कर सकते हैं और चमड़ी को शक्तिशाली बना सकते हैं। स्नान करना भी एक कला है, दिव्य स्नान करना भी एक कला है, जिसे हम आपको बाद में बताएंगे। केवल कुछ लोटे पानी शरीर पर डाल लेने से स्नान नहीं हो जाता। स्नान करने के बाद तौलिए से अच्छी तरह शरीर को पोंछ कर सुखा लें। कई व्यक्ति गीले बदन ही कपड़े पहन लेते हैं, वह ठीक नहीं है। कपड़े आपको हल्के फुल्के रखने हैं। सभ्य समाज में कपड़ों का पहनना अत्यंत आवश्यक है। कपड़े शरीर पर खुले हों ताकि शरीर को ताजी हवा लगती रहे। तंग कपड़ों से शरीर को अपने को स्वस्थ रखने के काम में बाधा पड़ती है। नायलॉन के कपड़ों का व्यवहार भी शरीर के त्वचा के लिए हानिकारक है, तो नायलॉन के कपड़ों को पहनने से थोड़ा बचें। निद्रा, अच्छी नींद आना स्वास्थ्य की निशानी है। निद्रा में शरीर अपनी टूट फूट की मरम्मत करता है, विकारों को बाहर निकालकर अपने को स्वस्थ करता है और दूसरे दिन फिर से काम करने की शक्ति प्राप्त करता है। रात में देर तक काम करना और शरीर को आवश्यक आराम न देना, रात क्लबों, सिनेमाओं, टेलीविज़न के सामने बिताना अपने स्वास्थ्य के साथ खेलना है। तो जल्दी सोने की आदत डालिए, जल्दी सोने से नींद गहरी आएगी, शरीर को मरम्मत करने का सही समय मिलेगा। और सबसे ज़रूरी जो अंत में मैं कहना चाहूँगा, वह है आपका व्यवहार। अपनी बोलचाल में मिठास लाएं। मीठा बोलने से हम दूसरे का मन जीतते हैं और अपने को भी आनंदित करते हैं। व्यवहार हमारा शुद्ध और दूसरों की सेवा भावना से युक्त होना चाहिए। दूसरों की सेवा करने से वास्तव में ईश्वर के दर्शन होते हैं। समाज में जो विषमता और अशांति है, उसका एक मुख्य कारण है अपने स्वार्थ की सिद्धि पर जोर और परमार्थ का अभाव। यदि आप वास्तव में सुख चाहते हैं, प्रभु के दर्शन करना चाहते हैं, तो निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करने की भावना पैदा करें और अपनी वाणी में विनम्रता लाएं, मिठास लाएं। अब कई लोग समाज में आपको यह बोलते मिल जाएंगे कि जिसकी वाणी मीठी होती है वह धूर्त होता है, कपटी होता है। ऐसी बातों पर मत आए। हमारा शास्त्र, हमारा वेद कहता है कि मीठी वाणी बोलिए, विनम्र बनिए। विनम्र बनने से ही पात्रता आती है और पात्रता आने से ही आप की योग्यता बढ़ती है और आप सफल हो पाते हैं। अब ऐसे लोग कौन होते हैं जो ऐसा कहते हैं? जो स्वयं क्रोधी होते हैं, दम्भी होते हैं, तो वे अपने आप को छिपाने के लिए इस तरह की बातें कहते हैं। अब वे अपनी भी सफाई देते हैं कि क्रोध वह व्यक्ति करता है जो दिल का साफ होता है। वह सब कुछ बोलकर अपने आप को हल्का कर लेता है। जो दिल होता है वह बोल देता है, वह अपने दिल में कुछ नहीं रखता। असल में क्रोध में आप अपने असल अवस्था में आ जाते हैं। आप जो होते हैं वही दिखाते हैं, जैसे कि कोई शराब का नशा लिए हो। जब शराब के नशे में होता है तो उसके दिल में जो होती है वही बातें निकलती हैं। ठीक उसी तरह क्रोध में व्यक्ति अपने असली स्वभाव में आ जाता है। तो आप ऐसे लोगों की सुनेंगे या जो हमारा वेद, हमारे शास्त्र कहती है उसकी सुनेंगे? तो विनम्र बनिए, मीठा बोलिए। मीठा बोलना ही सबसे बड़ा सम्मोहन है। इससे आप बड़े से बड़े असंभव काम को कर जाएंगे। लोगों के बीच किसी से आपका मन मुटाव नहीं रहेगा, सबसे आपकी अच्छी निभेगी। और आप इसका सबसे बड़ा फायदा होगा कि आप शांत रहेंगे, आप
प्रगति की ओर रहेंगे, क्योंकि गीता में कहा गया है जहाँ शांति है वहीं प्रगति है। तो दोस्तों, ये योगाभ्यास से पहले कुछ नियम, कुछ सावधानियाँ, कुछ करने के लिए चीज़ें, कुछ छोड़ने के लिए चीज़ें हैं, आप इनका पालन करिए, फिर धीरे से हम आगे वीडियो बताते जाएंगे। सबसे पहले हम आपको यौगिक स्ट्रेचिंग, फिर यौगिक व्यायाम, फिर धीरे धीरे सभी आसन प्राणायाम को बताते जाएंगे। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छी लगी और आप इन सब नियमों का पालन करिए। भोजन के संबंध में मैंने क्या करना है नहीं करना है, पहले दो वीडियो इंटरमिटेंट फास्टिंग और मोटापे के बारे में मैंने वहाँ लिख बोल दिया है कि क्या क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कब खाना है, सूर्यास्त के बाद में बिल्कुल खाना मत लीजिए। इन बातों का ध्यान रखिए और योगाभ्यास प्रारंभ करिए और अपने जीवन को, अपने आप को दिव्य बनाते जाइए। जब आप दिव्य बनेंगे तभी आप दूसरों की मदद कर पाएंगे, दूसरों को भी सही राह बता पाएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारे साथ, मैं आपके साथ अपने जीवन को दिव्य बनाते चलें, आज इतना ही। धन्यवाद।